आज इस वीडियो में हम बात करेंगे जुबिलेंट फूडवर्क्स के बारे में। जुबिलेंट फूडवर्क्स शेयर स्प्लिट होने वाला है, कब होगा स्प्लिट, क्या होगा रेशियो, सभी चीज़ के बारे में डिस्कस करेंगे। उससे पहले वीडियो को अभी तक लाइक नहीं किया लाइक कर दीजिए, चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया सब्सक्राइब कर दीजिए, फ्री है। लाइक और सब्सक्राइब का बटन आपको जो दिख रहा होगा लाइक भी कर दीजिए सब्सक्राइब भी कर दीजिए, फ्री है, हमें भी अच्छा लगेगा। और साथ ही साथ डिस्क्लेमर नहीं पढ़ा तो डिस्क्लेमर पढ़ लीजिए, डिस्क्लेमर पढ़ना काफ़ी ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है। अब बात करते हैं सबसे पहले जुबिलेंट फूडवर्क्स के बारे में। कंपनी ने अब एक नोटिस डाल दिया है एक्सचेंजेस के ऊपर कि 31 दिसंबर का जो रिजल्ट है, लास्ट Q3 का जो रिजल्ट है वो कंपनी देने वाली है, और कंपनी अपने जो शेयर है उसको स्प्लिट करने वाली है। कब कंपनी करेगी डिसाइड, ये फ्राइडे 4th ऑफ फ्राइडे को कंपनी के रिजल्ट्स आते हुए देखने को मिल जाने वाले हैं। तो आई गेस 4th ऑफ फ्राइडे ही दिया गया, सॉरी, तो कंपनी 2nd ऑफ फेब्रुअरी को रिजल्ट डिक्लेयर करेगी, और साथ ही साथ जो स्प्लिट होने वाला है शेयर। अब स्प्लिट कैसे हो सकता है, 10 रुपये की फेस वैल्यू है शेयर की, जो फेस वैल्यू 10 रुपये की है वो चाहे तो उसको 10 शेयर में स्प्लिट कर सकते हैं, यानी पर शेयर फेस वैल्यू हो जाएगी 1 रुपीज़, या वो चाहे तो 5 शेयर में स्प्लिट कर सकते हैं, फेस वैल्यू हो जाएगी 2 रुपीज़। मोस्टली कंपनीज ऐसे ही स्प्लिट करती है, या तो स्प्लिट कर देगी 2 रुपये के फेस वैल्यू के अंदर, या स्प्लिट कर देगी 1 रुपये के फेस वैल्यू के अंदर। अगर अभी किसी के पास जुबिलेंट फूडवर्क का शेयर है जिसकी वैल्यू अभी 4000 रुपये के आसपास चल रही है, मेरा इसका लॉन्ग टर्म का टारगेट 5000 रुपया है। वन ऑफ माय फेवरेट स्टॉक है जुबिलेंट फूडवर्क, QSR स्पेस की बेहतरीन कंपनी है, मल्टीबैगर्स रिटर्न दिया है कंपनी ने। तो शेयर की अगर हम स्प्लिट की बात करें तो अगर ये 10 शेयर में स्प्लिट होता है, अभी 4000 रुपया इसकी वैल्यू है, तो 400 रुपया पर शेयर इसकी वैल्यू हो जाएगी। और अगर ये 5 के अंदर स्प्लिट होता है तो 800 रुपया पर शेयर इसकी वैल्यू हो जाएगी। तो अगर ये 1:5 में स्प्लिट हो जाएगी, अगर एक शेयर 5 शेयर में स्प्लिट होता है, फेस वैल्यू 2 रुपया रखी जाती है, तो फिर ये इसकी वैल्यू हो जाएगी 800 रुपया। और अगर ये 10 शेयर में स्प्लिट कर दिया जाता है तो इसकी वैल्यू हो जाएगी 400 रुपया एज ऑफ टुडे की मैं बात कर रहा हूँ। 2 फरवरी को जब बोर्ड डिसाइड करेगा कि क्या रिकॉर्ड डेट आएगी, कब कितने में स्प्लिट करना है, उसके बाद हमें क्लियर अंदाजा पड़ेगा। तो 2 फरवरी को इसके रिजल्ट भी आएंगे, और शेयर स्प्लिट के ऊपर कितना स्प्लिट हुआ है उसके ऊपर भी चर्चा होगी। तो अगर आपको जानना है कि कितने में स्प्लिट हो रहा है, कैसे स्प्लिट हो रहा है, तो सिंपल आपको बस हमारे चैनल को सब्सक्राइब करके रखना है, वीडियो को लाइक करके रखना है, क्योंकि सारी लेटेस्ट अपडेट्स आपको यहीं पर मिल जाएगी। धन्यवाद। आपको भी सीखना है टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स स्टॉक मार्केट के बारे में, कंपनीज के बारे में, पीई रेशियो, CAGR, ये सब क्या होता है, रिजल्ट्स को कैसे डिकोड किया जाता है, चार्ट्स कैसे अलग अलग फाइंड आउट किए जाते हैं, हेड एंड शोल्डर, फिर आपका ट्रेंड लाइन क्या होता है, अलग अलग बेसिक टू एडवांस अगर आपको जाना है टेक्निकल्स और फंडामेंटल्स के अंदर, तो फ्री कोर्स आ चुका है हमारी वेबसाइट www.techinews.in पर। सिर्फ आपको उस वेबसाइट पर जाना है और अपस्टॉक के साथ एक डीमैट अकाउंट ओपन करवा लेना है, क्योंकि भाई साहब जब सीखोगे तो उसको इम्प्लीमेंट किस पे करोगे, इम्प्लीमेंट करने के लिए आपके पास एक डीमैट अकाउंट होना चाहिए। तो अपस्टॉक के साथ एक डीमैट अकाउंट ओपन कीजिए और फ्री में इस कोर्स के अंदर एनरोलमेंट लीजिए।